ओम वंदे गा माता मित्रों, निष्प्राण शरीर में यानी कि जिसमें प्राण ही शरीर हो गया, जिसका उसमें प्राण ठोकने वाली मुद्रा है प्राण मुद्रा। आज हम आपको प्राण मुद्रा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये किस किस रूप में काम करती है, क्या क्या इसके लाभ है, उसके साथ ही इसमें सावधानियां क्या रखें, ताकि कई बार जो आप लोग कमेंट करते हैं ना, कंप्लेन करते हैं कि मुद्राएं लाभ नहीं करती हैं, मुद्राएं विद इन आधा मिनट आपको लाभ देना शुरू करती है, पर आप उसको ठीक से करेंगे तब वो लाभ दे पाती है, यदि आप उसको ऐसे ही कर लेते हैं तो पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो चलिए इस मुद्रा को क्या क्या काम है पहले वो बता दूं। तो यदि आपको एंजाइटी है, सरदर्द है, किसी भी प्रकार की शरीर या मन की कमजोरी है, जिसके कारण आपके विचार वास्तव में बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा बढ़ गई है, या आपके शरीर में काम करने का उत्साह नहीं बना है, थकान बहुत ज्यादा हो रही है, मन थक चुका है, काम को जीने की उत्साह नहीं बचे हैं, मरने का मन करता है, ऐसी किसी भी स्थिति में आप बिस्तर पे पड़ गए हैं, काम करने में कुछ नहीं हो रहा, हर हाल में आप इस मुद्रा को करिए। यह मुद्रा छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है, कभी भी कर सकता है, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं, कितना भी कर सकता है। इसलिए इस मुद्रा का लाभ सबको लेना चाहिए। जिनके शरीर में कुछ भी समस्या आपको महसूस हो रही है, आप हर कोई इस मुद्रा को कर सकता है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में पहले मुद्रा लगा लीजिए और क्या करना है मेरे साथ में करिएगा, ताकि आप जो 10 मिनट मुद्रा कर लेंगे उसके बाद क्या असर पड़ा, क्या आपके शरीर में प्रभाव पड़ा, उसको कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा, ताकि आपको भी पता चले कि वाकई मुद्रा किस तरह काम करती है। बस आप मुद्रा जो ठीक से नहीं लगाते वहां वो काम नहीं कर पाती है। तो चलिए पहले मुद्रा कैसे लगाना वो बता दूं, आपको कैसे बैठना वो भी बता दूं। उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं करना, करना क्या है, आपके दोनों हथेलियां हैं, उसको लास्ट की दो उंगलियां आपको अंगूठे से टच कर देनी है, बस इतनी सी, इस तरह से, और कुछ नहीं करना है। ये टच करनी है, दबाना नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं देना है, ये ध्यान रखना, प्रेशर आएगा तो उसका नुकसान है, इसलिए प्रेशर नहीं देना, बस ऐसे दबा के रखना, दबाना भी नहीं है, कुछ नहीं, बस ऐसे हल्का सा ऐसे टच कर दिया। उसके बाद आपकी जो कलाई रिस्ट है वो आपके घुटने पे आ गई है। अब आपने मुद्रा लगा लिया, अब आगे इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे तो इसका आप पूरा लाभ ले पाएंगे। इस मुद्रा की कोई लिमिट नहीं है, घंटा, दो घंटा, चार घंटा, पूरा दिन कर सकते हैं, पर मिनिमम यदि आप 20 मिनट करिए तो इसका पूरा लाभ आपको मिलना वहीं से शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस मुद्रा के लाभ क्या है वो बता दूं। मित्रों, ये मुद्रा जो है ना, हमारे शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की थकान, एंग्जाइटी या सरदर्द, इनको भारीपन को दूर करता है। कैसे मित्रों, ये जो मुद्रा है ना, ये तीन उंगलियां जिसमें जो इसमें इस्तेमाल हो रही है, मैं आपको बता दूं, ये हमारे जल तत्व की कमी को पूरा कर रहा है, ये हमारे पृथ्वी के, हमारे शरीर को, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारी पृथ्वी को पोषण देती है। और अग्नि, यदि शरीर में अग्नि कम हो जाती है ना मित्रों, तो हर शरीर में कमजोरी आ जाती है, हर शरीर में काम करने का मन नहीं करता है, और जब बढ़ जाए तो भी समस्या होती है, पर हमें अभी बैलेंस करनी है, इसलिए हमने टच किया है, दबाया नहीं है, प्रेशर नहीं दिया, इसलिए आपको बैलेंस करनी है अग्नि, इसलिए आपको उंगलियों को टच करना है, दबाना नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। तो क्या है, ये हमारे शरीर में होने वाली विटामिन की कमी को दूर करती है। अब विटामिन की कमी को दूर करने के लिए आपको खान पान भी सही करना होगा, उसके लिए आपको कुछ वीडियोस और देखने होंगे, डू एंड डोंट समझना होगा। अभी तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डू एंड डोंट क्या है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कभी मत करना है, रोगों के कारण के रूप में हमने डोंट बताया है, और साथ ही स्वास्थ्य नियम के रूप में हमने क्या करना है डू बताया है। इन दोनों प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आपको इस मुद्रा का पूरा लाभ मिल पाएगा साथ में करेंगे तो। अब इस प्रकार ये हमारे शरीर में विटामिन की कमी को दूर करता है। और मित्रों, जिनको भूख प्यास ज्यादा लगती है, नहीं लगती है, दोनों कंडीशन में हम जो भी प्रकृति की क्रियाएं अपनाते हैं वो बैलेंस करने का काम करती है। तो जिनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, उनको कंट्रोल हो जाती है, और जिनको नहीं लगती है उनकी बढ़ जाती है। इसलिए एक ही मुद्रा दोनों तरफ बैलेंस करके दिखा देती है। इसीलिए आपको क्या करना है, इस मुद्रा का अभ्यास जब आप करेंगे ना, जो कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान हो रही है, उनको धीरे धीरे करेंगे तो आप भूख लगने लग जाएगी और ज्यादा वालों को कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो ज्यादा खाते उनको भी समस्या होती है, उनको भी थकान होती है, नहीं खा पाते उनको भी थकान होती है, बैलेंस वालों को थकान नहीं होती है। तो आपको जो थकान हो रही है, ये थकान को आप रिड्यूस कर देती है, और साथ ही जो आपको ज्यादा खाने से पाचन शक्ति पर जो प्रेशर आ रहा था, नहीं खाने से जो तकलीफ आ रही थी, जो कमजोरी आ रही थी, उसमें भी ये आपको बैलेंस कर देता है, उस कमजोरी को भी ठीक कर देता। जब ये कमजोरी नहीं रहेगी, आपको थकान नहीं रहेगी, तो आपके मन में एक काम करने का उत्साह धीरे धीरे बनने लग जाता है,
जिससे आपके मन के अंदर धैर्य धारण हो जाता है कि आप धीरजवान बन जाते हैं, आप धैर्यवान बन जाते हैं। जब आप धैर्यवान बन जाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत होने लग जाता है। और जब मन शांत होने लग जाता है, मैं बार बार मुद्रा इसलिए लगा लेती हूँ ताकि आप चेक करो कि आपकी मुद्रा सही लगी है या नहीं, क्योंकि मुद्रा गड़बड़ हो गई तो फिर आपका काम नहीं करेगा। तो जब आपका मन धैर्यवान हो जाता है उसके बाद मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तो तनाव से भी कम, तनाव से ग्रसित नहीं रहता, तनाव मुक्त हो जाता है। और साथ ही जब आपका मन शांत हो जाता है, आपका काम में मन लगने लग जाएगा, तो आपके जो फालतू के विचार उनसे आप मुक्त हो जाते हैं। और साथ ही जो आपके विचार बार बार वासनाओं में जाते हैं, वासनाओं की तरफ आपका दिमाग चला जाता है, उन वासनाओं से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि आप एक्टिव हो रहे हैं तो आपका काम करने में मन लगने लग जाता है, आपको आलस नहीं आ रहा, थकान नहीं हो रही है, ये सारी स्थितियां आपकी बन जाती है। और जब आप काम कर पाते तो आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष जैसी जो मानसिक भावनाएं होती है ना मित्रों, और उनसे छल कपट करने की भावना जो बनती है, उन सबसे आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाता है। यानी कि आपकी वृत्ति, आपके भाव धीरे धीरे सात्विक बनने लग जाते हैं। जो सात्विक भाव आपके बनते हैं ना मित्रों, ये आपके संपूर्ण शरीर को संपूर्ण पोषण देने का काम करते हैं, और यही पोषण आपके शरीर के और आपके मन की शक्ति का विकास करता है, जो आपको संपूर्ण रूप से आपके व्यक्तित्व को उभारने का काम करता है। जी हाँ मित्रों, एक छोटी सी मुद्रा यदि आप करते हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं वो भी धीरे धीरे अपने शरीर में ताकत लाके, ऊर्जा लाके अपने आप को क्रियान्वयन करके, क्योंकि एक बार हमने बोला ना, डिस्क्रिप्शन के सभी वीडियोस आप एक बार चेक कर लीजिए, आपके रोगन सर्जन में बहुत सारे वीडियो दिए, जो बहुत सारे लोगों के कारण जो दवाइयां खा के बिस्तर पे पड़ गए हैं, सालों से दवाइयां खा रहे, रिपोर्ट निकाले, ऑपरेशन करवा दिया, समाधान नहीं मिल रहा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों पर हमारे प्लेलिस्ट दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव में हमने वीडियोज दिए, आप देखिए चुनिए, और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए जितनी देर आप फालतू बैठे हैं पड़े हैं उतनी देर आप शक्ति मुद्रा लगाइए, यानी ये प्राण मुद्रा लगाइए, कोई कोई इसको शक्ति मुद्रा भी कहते हैं, इसलिए मैंने वो भी बोल दिया, तो आप उसको लगाइए और अपने शरीर में नव जीवन का नव संचरण करिए, जो आपके जीवन की शक्ति बढ़ाएगा, आपके आपको धैर्यवान बनाएगा, आपको शक्तिवान बनाएगा और साथ ही आपको उत्साही भी बनाएगा। तो ये मुद्रा आपको बहुत काम की मित्रों, सबको करनी चाहिए, यदि आपको अपने अंदर से एक नया उत्साह बढ़ाना है और आपको फालतू के विचारों से मुक्त होना, आपको वासना के विचारों से मुक्त होना है, तो आप ये मुद्रा जरूर करिएगा। उसके बाद मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ और भी मिलेगा, तनाव मुक्ति, फालतू विचार मुक्ति के रूप में आपको मिलेगा। उसके अलावा भोजन घर में कैसे बनाए, कई बार भोजन बनाने में बहुत गलतियां करते हो, वो भी वीडियो हमने दिए हैं सरल भोजन के रूप में, और साथ में आप घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हो हमें वो भी एक घरेलू उपचार करके प्लेलिस्ट दिए, आप एक बार देखिए आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आगे बता दो मित्रों, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां बहुत सारे मोटिवेशन थॉट देते हैं जो आपको मन की कमजोरी को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हमने आपको हर समस्या का समाधान बता दिया, अंत में हमने नंबर दिया है ताकि यदि आपको लगता है कि ये सब हमने देख लिया, हमें समाधान नहीं मिल रहा है, या दीदी से बात करके कुछ अलग समाधान मिलेगा, तो हमें कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, इसलिए हमने नंबर भी दिया है। तो आप हमें पहले प्रश्न बताएं कि हमने सीधा लिखा है, कॉल ना करें, समस्या टाइप करके बताएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा, आपका अब मुद्रा ने क्या किया आपको कैसा लग रहा है वो बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा। धन्यवाद, वंदे मातरम।